The cylindrical rod having temperature T1 and T2 the rod flow the heat Q1 calorie the all the linear dimension are keeping the temperature rate of heat flow. ये बच्चे मतलब करते हैं और इसको गलत करते हैं, वो समझ नहीं पाते लीनियर डायमेंशन होता क्या चीज़ है. चलो अगर एक रॉड है, समझना, एक रॉड है जिसकी लेंथ L है और जिसकी रेडियस R है, कहता है सभी लीनियर डायमेंशन बदल दूँ. अगर एक एंड ये टेम्परेचर थीटा 1 पे है और ये टेम्परेचर थीटा 2 पे है तो हीट इधर से इधर जाएगी, हीट एच. क्लियर है? तो T1 से थीटा क्लोजर टू द टेम्परेचर देन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो अगर मैं डबल कर दूं तो क्या होगा, अभी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट h की q के इक्वल है, तो q जो है t टाइम में स्टडी स्टेट में k a थीटा 1 माइनस थीटा 2 और डिवाइडेड बाई l के इक्वल होता है. ये होता है, ऐसा होता है भाई. तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट q इज लीनियर डायमेंशन, कौन कौन सा लीनियर डायमेंशन डबल करोगे तो q की वैल्यू क्या होगी, तो लीनियर डायमेंशन कौन सा एरिया है और लेंथ है, ये एरिया रेडियस लीनियर डायमेंशन है. अगर लेंथ ऐसे है ऐसे लेंथ कर दोगे तो ये लीनियर डायमेंशन ही है यार, ऐसे थोड़ी है. तो यहाँ बच्चे गलती करते हैं, एल को डबल कर देते हैं, एरिया को छोड़ देते हैं. तो एरिया जो है, अब देखो q is प्रोपोर्शनल टू एरिया एल का अपन आर, इसको प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अपन एल. ये चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि q डैश अपन q इज इक्वल टू r डैश अपन r और मल्टीप्लाइड बाय l के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो l अपन l डैश. अब सारे डायमेंशन डबल कर दो, ठीक है, तो ये डबल करोगे तो ये 4r स्क्वायर आ जाएगा और ये r स्क्वायर पहले से था, ये l था और ये 2l हो गया, ठीक है. तो l ने l को, r स्क्वायर ने r स्क्वायर को, 2 ने 2 को, मतलब q डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स q, है ना. तो ये बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, इसको तो डबल कर ही देते हैं पर इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, और ये उनका सलूशन गलत आता है.